नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। गांव की गलियों से अंधेरा दूर करने लगाई गई सौर ऊर्जा लाइट किया गया क्षतिग्रस्त। बेलथा रोड बलिया मामला सीयर ब्लॉक के ग्राम फरसाटार का है। बीते शनिवार को गांव के मुख्य मार्ग के अलावा अन्य स्थान पर कुल 7 सोलर लाइट ग्राम प्रधान जफरुल हक पप्पू ने गाँव में उजाले के लिए लगवाया था। सोमवार की रात में पंचायत भवन में ब्रह्म स्थान के बीच लगी 4 लाइटों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अराजक तत्वों द्वारा अंधेरा दूर करने के लिए लगाई गई सोलर लाइट क्षतिग्रस्त कर दिए जाने से जहां गांव वालों में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं इसे लेकर गांव वाले आक्रोशित भी नजर आए। फरसाटार गांव में ग्राम प्रधान जफरुल हक उर्फ पप्पू द्वारा गांव में प्रकाश की व्यवस्था के तहत जगह जगह पर 11 सोलर लाइट लगाई गई थी। ग्राम प्रधान का कहना है कि बीते शनिवार को गांव के मुख्य मार्ग के अलावे अन्य स्थानों पर 7 सोलर लाइट लगवाई गई थी, जिसमें तीसरे दिन सोमवार की रात में अराजक तत्वों के द्वारा 4 सोलर लाइट को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रधान ने बताया कि आज तड़के जब काम करने के लिए मजदूर पहुंचे तो उन्होंने मुझे सूचना दी। जब वहां पहुंचकर देखा तो हैरान रह गया। सोलर लाइट में लगी बैटरी के तारों को छोटा छोटा काट दिया गया था, जिससे बैटरी पोल में लटकी हुई है और लाइट के शीशा का चूर नीचे गिरा पड़ा है। ग्राम प्रधान का कहना है कि 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दे दी गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस उसकी छानबीन में जुटी है। ग्राम प्रधान जफरुल हक ने कहा कि ये किसी अराजक तत्व लोगों का काम है जो गांव के विकास में अड़चन डाल रहे हैं। भाव थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देने की बात भी कही। कहाँ के निवासी हैं आप? फरसाटार के। आपके गाँव में जो मुख्य मार्ग पर ये सोलर लाइट लगी थी, आज मौके पर फूटा हुआ था, ये कब तक आपने इसको सही देखा है? 7 बजे सुबह आपने देखा है? तो कल आप दुकान जब बंद किए तो लाइट जल रही थी। कितने लाइट टूटी है? 4 टूट गई है मुख्य मार्ग पर, ब्रह्म स्थान पर, पंचायत भवन के बगल में, ये आपके दुकान के बगल में, और आगे वाला नाम और मकान के पास, और बस यही है। 4 से क्या साबित हो रहा है? कौन से ऐसे लोग काम किए होंगे? जो काम वही किए होंगे, 9-10-11 बजे के बाद लोग भुगते हैं। मैंने कैसे लोग, कोई अराजक तो लोग होंगे? हाँ हाँ, लोग वही किए होंगे। हाँ, नुकसान करने वाले, पहुंचाने वाले हैं। अपना परिचय देते हुए ग्राम सभा में जो सोलर लाइट लगी है इस पे क्षतिग्रस्त किया गया है, इसके बारे में जरा बताएंगे? सोलर लाइट आई थी, अच्छी से मेन रोड पे 4 लगी थी, बाकी ब्रह्म बाबा के स्थान पे लगी थी, छोटी मस्जिद पे लगी थी, कुटी पे लगी थी, बड़ी मस्जिद पे लगी थी, जिसे मेन रोड पे 4 लाइटें तोड़ दी गई। अराजक तत्वों द्वारा लाइटों को तोड़ दिया गया, जिस पे कठोर कार्रवाई करते हुए कल मैं इसको थाना अध्यक्ष साहब के पास जाके इसकी दरखास्त डालेंगे। अच्छा, बैटरी भी कुछ क्षतिग्रस्त हुई है? हाँ, पूरी बैटरी लटक गई है सर। ये कैसे सूचना आपको प्राप्त हुई? सुबह सूचना प्राप्त हुई जब लेबर काम करने आए तो लेबरों ने फोन करके कहा कि भैया जी, लाइट तो तोड़ दी गई है। तो फिर हम आए, देखे, हम तो हवा कर गए कि गांव शहर बनाना है, दिनेश चेयरमैन जी की तरह फरसाटार को ये सपना अधूरा ही रख जाएगा क्या? और आपने किसी को सूचना दिया है क्या प्रशासन में? प्रशासन में 112 पे मैंने कॉल किया था, पुलिस आई थी, पुलिस ने देखा, मौके पे फोटो पुलिस ने भी लिया, गांव में भ्रमण भी किया हुटर बजा के, फिर उसके बाद थाने पे सूचना दी, कहा कि जाके आप थाने पे एसओ साहब से आप भेंट कर लीजिएगा। तो बीडीओ साहब थे नहीं, बीडीओ साहब की उस पर एप्लीकेशन पे अपना पैड पेश करा के एप्लीकेशन लिख के बीडीओ सचिव साहब साइन कर दिए हैं, बीडीओ साहब की साइन, एडीओ पंचायत साहब की साइन, एडीओ साहब की साइन करा के तब थाना अध्यक्ष महोदय को देंगे कि इसको कठोर कार्रवाई किया जाए कि आइंदा भविष्य में कोई इस तरह का हरकत ना की जाए, कि जो सरकार की जो सुविधा समाज को मिल रही है, सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो, सरकार की संपत्ति का क्षतिग्रस्त ना हो। ये कब हुआ है? ये रात को 1-2 बजे के बीच में हुआ है। आज ये रोड की ये घटना हुई है, कल पंचायत भवन में कंप्यूटर लगने जा रहा है। बलिया से ए समझ के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए भारत मीडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जय हिंद।